यूनिवर्सिटी न्यूज़ के एक नए अपडेट में आपका आपका स्वागत है। आज मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। ये अपडेट निकला हुआ है, राजस्थान से आया है, तो इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूनिवर्सिटी न्यूज़ या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भी अपडेट ऑन टाइम पाना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के मैं अपडेट हमेशा लेके आते रहता हूं। कहीं भी कोई भी अपडेट आता है मैं उसको तुरंत अपडेट कर देता हूं, ताकि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रहे। जैसा कि ये अपडेट है, ये अपडेट आया है राजस्थान से, और राजस्थान के से है, और ये जो प्रकाशित हुआ है भास्कर न्यूज में है, जयपुर से प्रकाशित हुआ है, जिसमें लिखा है कि उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा की अनुदान मांगों का जवाब CGP ने दिया है। और देखिए इसमें लिखा है कि कॉलेजों में 2500 पद खाली हैं, उन्हें 3 माह में 2500 पद खाली हैं, इन्होंने मार रहे 2500 पद खाली है, जिसमें से 3 माह के अंदर में लगभग 1936 पद भर देंगे इन्होंने कहा है। मेहरबान है जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद्र ने, इन्होंने कहा है, और ये बात कही है, इधर उधर नहीं कहा है, विधानसभा में कहा है। तो ये इसमें कहा है कि जो खाली सीटें हैं 2500 वो तुरंत कॉलेज में तुरंत भरे जाएंगे, और जो सब भरे जाएंगे, लेकिन 1900 2000 जो लगभग 2000 जो सीटें निकली भरेंगे वो 3 माह में भरने का दावा किया है। हालांकि इतने कम समय में ये भरना मुश्किल नहीं है किसी भी स्टेट के लिए, 3 माह के अंदर में आपको बहाली कर लें, लेकिन हाँ ये तुरंत ही बहाली आने वाली है, इस बात तो क्लियर है। क्योंकि कहाँ है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी होते हैं, उसको काम कम करते हैं, प्रचार ज़्यादा करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं, तो इसीलिए प्रचार इसका शुरू हो गया है, पेपरों में आने लगा है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ स्टेट बहुत काम कर रहा है, उसके बाद ये निकालेंगे धीरे धीरे। लगभग इसमें 1 साल टाइम लग जाएगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर और बहाली होगा, इसलिए आप इसकी तैयारी शुरू कर दें और इस पर फोकस रहे। अगर आपका इंटरेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का राजस्थान में, तो आप इसके लिए अलर्ट हो जाएं, क्योंकि बहाली आएगी, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। मान लीजिए कि 3 माह के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए तैयारी हो जाएंगे, तो उसकी प्रोसेस में टाइम लगेंगे, इसलिए अदर्स आप जो भी डॉक्यूमेंटेड हैं आप जुगाड़ करने की कोशिश कर दें। अगर सेट है तो सेट दीजिए, और UGC नेट का एग्ज़ाम जरूर दे दें, हालांकि अभी तो पोस्टपोन्ड हो गया है। इस तरह का जो भी डॉक्यूमेंट है आप एक्वायर कीजिए, जुगाड़ कीजिए, ताकि इसमें डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपीरियंस हो, टीचिंग एक्सपीरियंस हो, वो भी आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो इस पर तैयारी शुरू कर दें। और भी अपडेट है, लेकिन मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अपडेट लेके आता हूँ, यही इसीलिए मैंने इसके बारे में बताया। देखिए और 2-3 एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट है राजस्थान के, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया आपको। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं भास्कर के न्यूज़ में, वो अपडेट है, या यहाँ भी इसको जूम करके देख सकते हैं, मैंने इसमें भी न्यूज है। तो ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड राजस्थान से। इस तरह के अपडेट के लिए आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज। मिलते हैं एक नए अपडेट में, एक नए वीडियो में। आज बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़।